पालमपुर में एक ऐसा परिवार है जो कोरोना योद्धाओं की भूमिका निभाते हुए इस संकट की घड़ी में अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी निष्ठा निभाते हुए देश सेवा में अपने कार्य कर रहे हैं। ये दंपत्ति अपने 16 माह की बेटी को घर में छोड़कर कुछ घंटों तक जनता की सेवा में जुटा रहता है। हालांकि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रकोप अभी तक जारी है, लेकिन ये दंपत्ति अपने कार्य के प्रति पूरा समर्पित है। हम बात कर रहे हैं पालमपुर के डीएसपी अमित शर्मा के परिवार की, जिनकी धर्मपत्नी छवि नांटा भी एसडीएम है। वे बैजनाथ में कार्यरत हैं। पति पत्नी सुबह ही अपने घर से निकल जाते हैं और शाम को ही घर पहुंचते हैं। पिछले 2 माह से लॉकडाउन के दौरान यही इनका दिनचर्या है। इस दौरान नन्ही बेटी को उनकी दादी संभालती है। इस दंपत्ति को लॉकडाउन के दौरान कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन इन्होंने अपने कर्तव्य निष्ठता के साथ ड्यूटी भी निभाई है। इस कोरोना योद्धाओं को समाज के हर वर्ग का सलाम है। पालमपुर के डीएसपी की भूमिका निभाते हुए डॉक्टर अमित शर्मा के कंधों पर कानून व्यवस्था के साथ कोविड-19 के अंतर्गत कई जिम्मेदारियां सरकार व प्रशासन द्वारा सौंपी गई है। कई थानों का कार्यभार भी इनके कंधों पर है, लेकिन ये पुलिस अधिकारी बिना किसी शिकन के अपने कर्तव्यों को लॉकडाउन के दौरान पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। आपको बता दें कि अमित शर्मा व छवि नांटा शिमला जिला से ताल्लुक रखते हैं। सन 2013 में एचएएस की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के बाद छवि नांटा ने किन्नौर, शिमला व अर्की में बेहतर सेवाएं दी हैं और बैजनाथ में एसडीएम बतौर तैनात हैं। बैजनाथ की एसडीएम छवि नांटा जहां प्रशासनिक कार्यों को बखूबी अंजाम दे रही है, वहीं बैजनाथ में इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन सेंटर भी जिला प्रशासन द्वारा स्थापित किया गया है। उसका कार्यभार भी इन्हीं के कंधों पर है, जहां जिला भर के कोरोना पॉजिटिव मरीजों की उपचार किए जा रहे हैं। पंचायती राज संस्था बैजनाथ में स्थापित इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन को संचालित करना एक छोटी बच्ची की मां के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। हालांकि सेंटर की स्थापना को लेकर लोगों में विरोध के स्वर जरूर उठे थे, लेकिन एसडीएम बैजनाथ छवि नांटा ने अपने प्रयासों के साथ इस सेंटर को बैजनाथ में स्थापित ही नहीं किया, बल्कि वर्तमान में जिला कांगड़ा के कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज भी यहीं चल रहा है। जी, जैसे सभी जानते हैं कि कोरोना का हिमाचल में पहला केस कांगड़ा जिले में ही आया था, तो इससे पहले कि लॉकडाउन पूरे स्टेट में लगता, कांगड़ा में एक अपना कर्फ्यू करके पहले ही कर्फ्यू लगा दिया गया था। तो एक तरह से तैयारी हमारे यहाँ पे डीसी साहब की अध्यक्षता में पहले ही हो चुकी थी। अपने दिमाग को शुरू में थोड़ा सा ट्रेन करना कि किस तरीके से इस महामारी से डील करना है, वो थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि हमने किसी ने नहीं ये नहीं सोचा था कि स्थिति इतना गंभीर रूप ले लेगी। समहाउ एक इल्यूजन था, ऐसा था मन में कि हिमाचल में शायद इतने केसेस ना आए जितने कि आज हम देख रहे हैं। पर धीरे धीरे, जैसे कि दिन ब दिन, अब मेरे लगभग 2.5 महीने हो गए हैं जिस समय से हम यही काम कर रहे हैं, तो अब मन बिल्कुल पक्का हो चुका है। अब हर स्थिति को हम बड़े गंभीर रूप से और बड़े प्रोएक्टिवली डील करने में सक्षम हो गए हैं। जी, ज़िला कांगड़ा में वैसे 3 कोविड केयर सेंटर्स डेडिकेट किए गए हैं। मरीज़ों का जहाँ तक सवाल था, तो उनसे हमको ना कोई शिकायत आई, ना उनका पहले दिन हमें थोड़ी दिक्कत आई थी क्योंकि पहला पेशेंट आया था, हमें भी नहीं प्रोटोकॉल पता था किस तरीके से उनसे डील करना है, खाना कैसे प्रोवाइड कराना है। परंतु अगले दिन से एक बड़ा स्टैंडर्ड सा अच्छा सा प्रोटोकॉल बन गया, तो मरीज़ों के एंड पे हमको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा। परंतु जो कम्युनिटी के लेवल पे थोड़ा सा एक मेंटल जो अरेंजमेंट होता है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो कोरोना पेशेंट्स हैं ये हमारी तरह इंसान हैं, किसी के परिवार से बिलोंग करते हैं और इनकी इसमें कोई गलती भी नहीं है, आपको पता भी नहीं है कब आपको ये बीमारी हो जा रही है। तो इनके लिए थोड़ा सा कम्युनिटी ने बड़ा पॉजिटिव एक एटमॉस्फेयर नहीं बनाया। हमको दिक्कतों का इस तरीके से सामना करना पड़ा, जैसे लोगों ने शुरू में, मैंने किसी से कहा कि आप सरकारी व्यक्ति कि आप अपना ये खाना जो मैं बनवा रही हूँ एक इंडिपेंडेंट जगह पे, वहाँ से उठा के सिर्फ आपने गेट पे गार्ड को देना है, गार्ड अंदर नर्स को सप्लाई करेंगे जो पीपी किट पहनकर ये पेशेंट को हैंडओवर करेंगी। परंतु कोई वहाँ से उठाकर उसे गार्ड तक देने को रेडी नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे, जैसे मैं कह रही थी, ये इश्यूज़ रिजॉल्व होते रहते हैं, कम्युनिटी में भी धीरे धीरे थोड़ी अवेयरनेस आ रही है
पिछले 2 दिन में भी मुझे काफ़ी एनजीओज ने अप्रोच किया, काफ़ी लोगों ने भी अप्रोच किया। मैं बताना चाहूँगी, एक लेडी जो सिंपल सी हाउसवाइफ हैं उनका भी मुझे फ़ोन आया था कि आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, मैं खाना डिलीवर तक करने को रेडी हूँ। तो मैं खुश हूँ कि इस तरीके के लोग भी हमारी सोसाइटी में हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा इशू जो हमें कल ही फेस करना पड़ा वो था जब डॉक्टर्स अपनी 14 दिन की ड्यूटी इस कोविड केयर सेंटर में कर आए, उनको भीड़ में जो हमने एक बिल्कुल इनक्लोज्ड एरिया क्वारंटीन के लिए डिसाइड किया था, उसमें बहुत विरोध का सामना हमको करना पड़ा और हमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि हेल्थ स्टाफ जो कि बिल्कुल फ्रंट लाइन पे इन पेशेंट्स का ख्याल रख रहा है, उसके साथ इस तरीके का बर्ताव हो रहा है, तो ये हमें भी गवारा नहीं था। परंतु फिर भी कम्युनिटी के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको भी हमने दिमाग में रखा और कुछ अल्टरनेट अरेंजमेंट डॉक्टर्स के लिए किया। जी बिल्कुल सही बात है, कोविड महामारी कांगड़ा में आने के बाद और उससे पहले भी हम लोगों का जो शेड्यूल है थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था, वैसे भी हेक्टिक रहता है, लेकिन जब कोरोना की शुरुआत हुई प्रदेश में तो हम लोग काफ़ी बिजी हो गए। हम लोगों को सुबह अर्ली जाना पड़ता था, हम लोगों को रात को लेट तक बाहर काम करना पड़ता था, लेकिन इसमें मेरे परिवार ने बहुत साथ दिया। हम लोगों ने इस अपनी जिम्मेदारी को इसीलिए पूरा कर पाया, आर फैमिली सपोर्टेड अस, और स्पेशली मैं इसमें कहना चाहूँगा कि मेरी मम्मी ने बहुत सेक्रीफाइस किया है इस टाइम में, बहुत साथ दिया है, देवी की केयर करते हैं, तो शी हैज़ बीन वंडरफुल, और मैं अपने सेक्रीफाइस अपने मेहनत को कम मानता हूँ और उनके त्याग और बलिदान और मेहनत को ज़्यादा मानता हूँ।